कि बुरसी घटती जाती है। ओ या अकम गाते गाते समझ ये नहीं आ रहा है। समझ में ये नहीं आ रहा है, रस्सी घट रही है, कन्हैया का शरीर मोटा हो रहा है। समझ गए श्याम अम्मा, यशोदा ज्यादा परेशान है, ज्यादा व्याकुल है, तो एक छोटी सी रस्सी में बंध गए श्याम। अब ग्वाल बाल अपने अपने घर चले गए, यशोदा मैया श्याम को बांध के घर के अंदर काम में लग गई। अब देखा श्याम ने, अब कोई हमारी तरफ नहीं देख रहा है, तो ऊखल लुड़काने लगे। लुड़काते लुड़काते द्वार पर यमुना अर्जुन नाम के दो वृक्ष खड़े थे, उनके बीच में जाके फंसाया और धीरे से झटका दिया, वे दोनों वृक्ष टूट गए। उन दोनों वृक्षों से दो पुरुष प्रकट हो गए, जो कन्हैया को देख करके खूब हंसे। कौन थे ये दोनों? तो सुखदेव समझा रहे, सुनिए महाराज परीक्षित, ये दोनों जो थे, ये पूर्व जो पूर्व जन्म में कुबेर के लड़का था, तवण का नाम था नल कुवन मणगिरी, भोले बाबा के वरदानी, कैलाश पर्वत पर रहने वाले, लेकिन ये दोनों घमंडी बहुत थे। इन दोनों को अपने ऊपर बहुत घमंड था। एक दिन दोनों ने मदरा पान की या शराब पी, और जब शराब पी तो इनकी बुद्धि खराब हो गई, नशा हो गया। तो दोनों अपनी पत्नियों से शराब के नशा में कहते हैं, चलो नहाएंगे, लेकिन आज नग्न होके नहाएंगे। पत्नियां मना भी करती, लेकिन दोनों नहीं माने, वस्त्रहीन होके नहाने लगे। अक्स